Hello viewers, this is Professor Shipra from PG Department of CS in IIT, Dwaba College, Jalandhar. Aaj hum seekhenge how to use multi-views in ASP.NET. So, iske liye hume ek control chahiye hoga, jo ki aap toolbox mein dekh sakte ho, multi-view. Double click on it. Aur isko humne lena hai division ke andar. अब मल्टी व्यू को यूज करने के लिए एक और कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, दैट इज व्यू. तो यहां पे आप देख सकते हो व्यू वन, व्यू टू एंड व्यू थ्री हमने क्रिएट कर लिए, तीन. देन आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक टेबल जो आप फर्स्ट व्यू में दिखाना चाहते हैं. लेट अस सपोज हमने यहाँ पे लिया स्टूडेंट नेम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स बॉक्स, देन रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगेन टेक्स बॉक्स, एंड व्यू टू में हम देख रहे हैं फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं, अगेन थ्री रोज टू कॉलम. यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यू जो हम व्यू वन में ले रहे हैं. स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करवाने के लिए वैल्यू एक लेबल कंट्रोल दिया, प्रॉपर्टीज पे जाके टेक्स्ट उसका डिलीट कर दिया. देन रोल नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए अनदर लेबल लेते हैं, रोल नंबर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल टू. और व्यू थ्री में हम लिखते हैं स्टैटिक मैसेज एंड ऑफ व्यूज. यहाँ पे व्यू थ्री में सिंपल स्टैटिक मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, बोल्ड कर दिए है, लार्ज कर दिया है टेक्स्ट को. अब इन सब व्यूज को एक्टिव करने के लिए हमें एक लिंक बटन्स लेने होंगे. तो तीन व्यूज हैं और उन तीनों व्यूज को शो करने के लिए हम लिंक बटन लेते हैं. फर्स्ट लिंक बटन राइट क्लिक करके गो टू प्रॉपर्टीज और यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. व्यू वन, देन अगेन लिंक बटन टू लेना होगा, कॉपी करके स्पेस देकर व्यू इसको भी रीनेम कर दीजिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज व्यू वन को चेंज कर दो व्यू टू. सेम व्यू थ्री को दिखाने के लिए अगेन एक लिंक बटन लेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाके टेक्स्ट चेंज कर दीजिए व्यू थ्री. तो इस तरह हमारे पास तीन बटन आ गए तीन व्यूज के लिए. अब इन लिंक बटन्स के ऊपर व्यूज को एक्टिव करना होगा. तो फर्स्ट लिंक बटन पे क्लिक किया, डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं एक इवेंट जनरेट हो गया. यहाँ पे आप मल्टी व्यू की आईडी देंगे, मल्टी व्यू थ्री, थ्री इज आईडी ऑफ योर मल्टी व्यू. देन प्रॉपर्टी लिखेंगे एक्टिव व्यू इंडेक्स जीरो, इट मीन्स जीरो मीन्स व्यू वन जो है वो एक्टिवेट हो जाए लिंक वन, लिंक बटन वन के क्लिक के ऊपर. सिमिलरली लिंक बटन टू, इस इवेंट पे हम चाहते हैं सेकेंड व्यू एक्टिव हो जाए, देन मल्टी व्यू थ्री डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल्स टू वन. लिंक बटन थ्री पे लास्ट इवेंट जनरेट होगा और इसी में हम चाहते हैं लेबल के. तो हम देख सकते हैं लेबल वन में हमने रख दिया टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू. सिमिलरली लेबल टू में जाएगी टेक्स्ट बॉक्स टू की वैल्यू. अब व्यू थ्री में ही सिमिलरली हम एक और इवेंट जनरेट करेंगे, दैट इज अ मल्टी व्यू थ्री
डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे आपका व्यू 3 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं। राइट क्लिक ऑन योर वेबसाइट, देन व्यू इन ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं 3 व्यू नजर आ रहे हैं। व्यू वन पे क्लिक किया, स्टूडेंट नेम एंटर कीजिए, देन रोल नंबर। व्यू टू में जो आपने एंटर किया वो देख सकते हैं, ABC एंड रोल नंबर इज 1। व्यू 3 में हमने एक स्टैटिक मैसेज दिया था, दैट इज द एंड ऑफ व्यूज। तो इस तरह एक ही पेज के अंदर हमने मल्टी व्यूज क्रिएट कर लिए। तो मल्टी व्यूज को दिखाने के लिए सबसे पहले हमने एक कंट्रोल दिया मल्टी व्यू, और उसके अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंट व्यू क्रिएट किए, View 1, View 2, View 3, देन लिंक बटन्स लिए, और उन लिंक बटन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के लिए हमने एक्टिव व्यू इंडेक्स को एक्टिवेट किया अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। और व्यू 1 की वैल्यू व्यू 2 में सेव की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा हाउ टू यूज मल्टी व्यूज इन ASP.Control। थैंक यू वेरी मच।